सर्कल वास्ते आया हमें 2019 में मेरे बसे को निमी दिनी है गोवाल को सर्कस न ब्रांड नींद है सरपंच बुलाया मन बेटा निमी दराई है और सर्कल ब्रांड राखी है ग्राम पंचायत जमी है गोवाल तोड़ काटी मार मूर्ति है उठान ले गया हम थार की मांग है मारी सर्कल की मांग मूर्ति पासी मिलनी चाहिए मारी मूर्ति है वो उठान ले गया वो पासे देने चाहिए में जो है इसको पंचायत ने जमीन जो है स्वीकृति करके बजट को और हाथ से और डूंगरावरम उनका लड़का है उनके हाथ में ये दी गई थी और उसके बाद में कुछ तत्व जो लोग हैं वो उस पर जो है अतिक्रमण कर रहे हैं और ये कह रहे हैं न्यायालय में है न्यायालय में भी हम यहाँ प्रशासन से भी ये कह रहे हैं कि वो है कॉपी कहाँ पर है आपका जो है और ये नहीं है जो स्टेप पधारे हैं वो नहीं है और इसमें वहाँ का जो प्रशासन है तो पुलिस थाना है 72 घंटे तक जो है रिपोर्ट भी दर्ज नामजद नहीं की गई न्याय दो न्याय दो शहीद परिवार को न्याय दो न्याय दो शहीद मुलाराम हमारे हमारे शहीद मुलाराम हमारे हमारे शहीद मुलाराम हमारे हमारे शहीद परिवार को न्याय दो न्याय दो जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने पर ज्ञापन भी दे चुप रहो यार बात करने बात हो गई आपकी जो है टाइटल के संबंध में वो मैं कार्रवाई करूंगा वो हम बात कर लिए और जल्दी जल्दी कराएंगे और आप पूरी न्याय करेंगे न्याय विषय सुपुत्र है बेटा 7 दिन से धरने पे इतनी मुश्किल तो सही तो घर होता नहीं और सही का अपमान करते उसके लिए तो घर सर बोलते हैं कि पितर है मैं पितर तो आप अपने समझते हो ना कि ये पितर है और इनका वो शमशान घाट बढ़ने नहीं देंगे हम
तेल और शमशान घाट नहीं बनेंगे साहब, ये लोग उनको तो देशद्रोही का मुकदमा बना के काला मुंह करके गांव में बना की उस टाइप का काम कर रहे हैं। तो ये तो बोलो पार का गांव है, बेचारे शांत गांव है, शांत लोग है, इन्होंने इस काम का कोई वो नहीं किया है। रिपोर्ट तो दे दी आप जी, रिपोर्ट भी सॉल ऐसा है, हम खुद कहते हैं हमसे नहीं कहते अनुशासन में रहकर सर्कल वास्ते आया हमें 2019 में मेरे बस को नीवी दिनी है गुआड़ा को सर्कस ब्रंड नहीं दे सरपंच बुलाया मन बेटा नीवी दराई और सर्कल ब्रंड राखी है ग्राम पंचायत जमी है गुआड़ा तोड़ काटी मार मूर्ति है उठा ले गया थार की मांग है मारी सर्कल की मांग मारी मूर्ति है वो उठा ले गया वो फांसी देने चाहिए जो है 25 की घटना है। वहाँ शहीद परिवार के पंचायत ने जो जमीन दी है 500 बर्ग फीट जो है वहाँ दी है और वहाँ रांग भरी हुई है, स्टैचू बना हुआ है और उसके ऊपर जो है फोटो फ्रेम लगा कर 2019 और 2019 में जो है इसको पंचायत ने जमीन जो है स्वीकृति करके बजट और हाथ से और डूंगरावरम उनका लड़का है उनके हाथ में ये दी गई थी। और उसके बाद में कुछ तत्व जो लोग हैं वो उस पर जो है अतिक्रमण कर रहे हैं और ये कह रहे हैं न्यायालय में है, न्यायालय में भी हम यहाँ प्रशासन से भी ये कह रहे हैं कि वो है कॉपी कहाँ पर है आपका जो है और ये नहीं है जो स्टे पधारे हैं वो नहीं है। और इसमें वहाँ का जो प्रशासन है तो पुलिस थाना है 72 घंटे तक जो है रिपोर्ट भी दर्ज नामजद नहीं की गई जिनका नाम बताया था जिन लोगों ने जो है अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। और ये मुलाराम की पत्नी खुद आई है, ये बहुत बड़ी परेशानी है और ये चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मेरे पति जो है देश की सेवा करते करते अपनी रक्त की होली खेलते खेलते शहीद हो गए और सेना मेडल है और 5 आदमियों को जो है मार करके और दुश्मनों को जो है किया था उसके साथ में कोई सुनाई आज तक नहीं हुई है। आज 5-6 दिन हो गया है मुकदमे दर्ज नहीं कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। और हम आज अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद और ये गांव के जो बेसानिया गांव के लोग आए हैं ये न्याय मांग रहे हैं प्रशासन से और प्रशासन के वहाँ जो प्रशासन है चाहे पुलिस प्रशासन है या SDM साहब है वो कह रहे हैं कि ये तो कोई मामला ऐसा है ही नहीं, घबरा कर रहे हैं। वहाँ का एक CI साहब है वो इस तरीके का प्रेस नोट जारी कर रहा है कि एक चबूतरा है, वो क्या चबूतरा है। और कई लोग ऐसे भी वो कह रहे हैं तत्व कि ये पितर है, ये शहीद ही नहीं है, अगर ये शहीद नहीं है सेना मेडल है और ये सैनिक ने जो है देश के लिए रक्त की होली करके और आज हम पूरे अमन में बैठे हैं, इनकी बदौलत उनका अपमान हो रहा है और उसके बारे में कोई सुनने वाला नहीं है। आज जो है हम उस विषय को लेकर के और संयुक्त तो जो है उस सब उसमें जो ग्रामीण और अखिल भारतीय पूर्व सैनिक परिषद आज जिला प्रशासन और जो हमारे यहाँ जिला कलेक्टर महोदय हैं उन्होंने विजय दिवस के दिन ये कहा था कि सैनिकों के लिए दरवाज़ा खुला है। तो आज जो है हम उनसे ये वार्ता करने के लिए आए हैं और जिला कलेक्टर SP साहब भी जो है उनसे भी हम ज्ञापन देंगे अगर ये सोले हो जाता है और जो जिन्होंने मूर्तियां चुराई है और उनको तुरंत जो है पकड़ा जाए और इसकी एक कमेटी बैठकर जांच की जाए कि वाकई में जमीन ये पंचायत ने अलॉटमेंट की है नहीं है, बजट दिया है नहीं दिया है। और आज लंबे समय से जो है उनको मामला लेकर के बैठे एक शहीद का है, बातें तो ये देख करते हैं कि शहीदों के लिए हम ये कर रहे हैं ये कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं प्रशासन, वहाँ का लोकल प्रशासन जो है बिल्कुल नहीं सुनाई कर रहा है। ये हम जो है आज न्याय मांगने के लिए आए हैं, उनकी पत्नी जो है ये खुद आई है, मुलाराम की जो है वाइफ आई है, उनका बच्चा आया है और ये न्याय मांगने के लिए आए हैं। और दुगुणाराम जो है आज 5-6 धरने पर वहाँ बैठा है। आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि जो शहीद स्टैचू बना हुआ है 500 वर्ग
फिट जो जमीन दी हुई है रॉन्ग भरी हुई है, एक रॉन्ग भरी हुई है और उस पर जो है हालांकि कोई अतिक्रमण नहीं है, लेकिन कुछ भूमाफिया वो जो है उसको काम करने नहीं दे रहे हैं।